वेलकम टू टागी विदेशेस। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर चाहें तो उस भर्ती में एलिजिबल हों तो उसमें अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की नई भर्तियों की अपडेट पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को ऑल इंडिया से एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि नई कृषि भर्ती है, बड़ी कृषि भर्ती है और निकल के आई है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय उर्वरक विभाग से, मतलब एनएफएल की वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन से आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। इसकी योग्यता बीएससी एजी प्लस एलाइड है और सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 1,40,000 पर महीना होने वाली है। काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे होने वाली है और पोस्ट सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस, इसके अलावा जो भी जानकारियाँ दी गई हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो वो पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एनएफएल की तरफ से निकल के आया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में है ये, और डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब इसका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, मतलब नोएडा, और उत्तर प्रदेश की ये है, यहाँ पे एड्रेस है, और इसका फ़ोन नंबर भी दिया गया है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फ़ोन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या फैक्स कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 02 एनएफएल 2023 है। डेट की बात करें तो 1/11/2023 है। इसके अलावा यहाँ पे इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन एनएफएल 2023 के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं वही इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जो मेन है और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बाकी आप लोग नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। वैकेंसी पोजीशन की बात करें तो ये टेबल दी गई है यहाँ पे, पोस्ट कोड, पोस्ट एंड लेवल पे स्केल और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे ये दी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड हैं और पोस्ट आइडेंटिफाइड सुइटेबल फॉर PWBD कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट कोड की बात करें तो ये पोस्ट कोड दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट ट्रेनी की ये वैकेंसी है जो कि निकल के आई है आपकी एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे सैलरी आप लोग देख सकते हैं 40,000 स्टार्टिंग पे स्केल, ये यहाँ पे सैलरी दी गई है 40,000 स्टार्टिंग, इसके बाद 1,40,000 होने वाली है सैलरी। और टोटल वैकेंसीज बात करें तो 60 वैकेंसी हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। अनरिजर्व की 25, SC की 10, ST की 6 और OBC की 13, EWS की 6 और अन्य कैटेगरी भी यहाँ पे डिवाइडेड हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करें, ये इसकी भी वैकेंसी दी गई है, ये अन्य लोगों के लिए हैं, एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। तो जो एग्रीकल्चर की पोस्ट है वो सिर्फ यही मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग है और इसकी एलिजिबिलिटी अभी आगे लिखी हुई है, आप लोगों को दिखा दूँगा। तीसरे नंबर पर यह पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ की, ये पोस्ट है। अच्छा, एग्रीकल्चर की जो पोस्ट है इसका नाम आप लोग देख सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की भी पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिव हैं जो इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा आगे चलते हैं और देखते हैं मेन पॉइंट इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे ये पे के लिए जो कि मैं बता चुका हूँ आपकी सैलरी के बारे में, स्टार्टिंग में 40,000, फिर बढ़ते बढ़ते आपकी 1,40,000 के तक हो जाएगी। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड इसमें दिया गया है जो कि 80,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे SC ST वालों के लिए 20,000 का है। ठीक है, 3 सालों के लिए ये सर्विस बॉन्ड है और 80,000 है अन्य कैटेगरी, अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये होता है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं और फिर जॉब छोड़ के तुरंत भाग जाते हैं 1-2 महीने में ही, तो इसलिए सर्विस बॉन्ड लिया जाता है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल तक आपको जॉब करनी होती है, अगर 3 साल से पहले छोड़ दी तो सर्विस बॉन्ड देना पड़ता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी आप लोगों का इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई दे दूंगा। तो यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करें तो ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई, मतलब इंडिया में कहीं पे भी आप लोगों को
जो है वो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब आते हैं टेबल नंबर 2 पे और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो पोस्ट कोड ये देख सकते हैं आप लोग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, तो मिनिमम एज है वो 18, मैक्सिमम एज है 27 साल। इसके अलावा आप लोगों को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अच्छा, ये डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये और करके ये बीएससी इन एग्रीकल्चर विद 60% मार्क्स, आप लोगों के 60% मार्क्स होना चाहिए। 50% मार्क्स SC ST PWD वालों के लिए, PWD वालों के लिए होना चाहिए। इन MSc एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और अन्य यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, दूसरी भर्तियों की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दूसरी भर्तियों के छात्र हैं आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दूसरी भर्तियों की भी एलिजिबिलिटी दी गई है। और कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे ये BSc AG और ये सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और एज भी आपकी 27 दी गई है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 27। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपके डॉक्यूमेंट्स या कट ऑफ डेट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वो 31/10/2023 तक आप लोगों के कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के संबंधित यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं पढ़ने लगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और यहाँ पे ये काफ़ी पॉइंट दिए गए हैं। और फीस की बात करें तो आप लोगों की फ़ीस लगेगी यहाँ पे 700 रुपये। ठीक है, 700 रुपये प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेज। एप्लीकेबल बैंक चार्जेज मतलब 10-15 रुपये जो भी होता है आप लोगों का, वो यहाँ पे इतनी फ़ीस लगने वाली है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस लिखी गई है, लेकिन सभी फ़ीस समान हैं और 700 रुपये ही लगने वाले हैं। ठीक है, प्रोसीजर जो है एप्लीकेशन प्रोसीजर, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे पूरी प्रोसेस दी गई है और आप लोग इससे अप्लाई कर सकते हैं NFL की वेबसाइट पर जाके। तो कैसे अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेबसाइट है www.nationalfertilizers.com। इसमें आप लोग करियर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये देखिए ये पहले वेबसाइट दी गई, फिर करियर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसके बाद आप रिक्रूटमेंट इन NFL वाले पे जाएंगे और इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाके आप लोग अपना फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा ये स्टेप दिए गए हैं कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कैसे क्या अपलोड करना है, 2 MB में होना चाहिए या कितना होना चाहिए, ये सब दिया गया है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। तो ऑफलाइन OMR बेस्ड आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ऑफलाइन होगा और OMR सीट से आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अच्छा, आप लोगों के सेंटर कहाँ कहाँ रह सकते हैं, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, रांची, झारखंड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आप लोगों का सेंटर रहेगा। पास में न्यू दिल्ली है, वहाँ पे भी आप लोगों का सेंटर रहे, आप लोग चाहें तो रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे सेंटर की पूरी लिस्ट दी गई है लंबी चौड़ी, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सिर्फ लखनऊ है, और इसके अलावा और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा आप लोगों का इंटरव्यू भी इसमें होने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू भी आप लोगों का इसमें होगा और फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका ऑफलाइन OMR बेस्ड जो एग्ज़ाम है उसका 80% रेशियो रहेगा और पर्सनल इंटरव्यू का 20%। ठीक है, तो इसी में जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से सिलेक्शन दिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह और भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं लंबे चौड़े, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कट ऑफ डेट फॉर रेकनिंग एलिजिबिलिटी फॉर ऑल पर्पज 31/10/2023 है, जो आपका ग्रेजुएशन वगैरह जो भी अर्हताएँ हैं एलिजिबिलिटी वो पूरी होनी चाहिए। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 2/11/2023 से स्टार्ट हो गया है, आज से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एप्लीकेशन स्टार्ट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन 1/12 मतलब 1 दिसंबर है, और डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ करेक्शन ये 3 दिसंबर होगा, और डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ करेक्शन ये 4 दिसंबर होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म जल्दी ही भर दीजिए ताकि
लास्ट मिनट का जो वेबसाइट पे लोड होता है वो आपको ना झेलना पड़े, जिस वजह से आपका फॉर्म रह जाए, ये लिखा हुआ है नीचे। ये हो गई पूरी जानकारी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया गया है, मैंने पूरी आप लोगों को जानकारी दे दी। एक ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है दोस्तों, आप लोग ये ईमेल पे और या फिर इस नंबर पे ये आप लोग कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से रात और शाम को 5 बजे तक, वर्किंग डेज पे, छुट्टी वाले दिन नहीं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है इस नंबर और ईमेल पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई पूरी जानकारी जो भी नोटिफिकेशन में था, मैंने आप लोगों को बता दिया। और आप लोग अगर चाहें और इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कर दीजिए, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और ऐसे ही लेटेस्ट एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।